नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 7। आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट बाइंग एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। अगर आप 2009 से 2015 में आपका कोई रियल एस्टेट डिसीजन रॉन्ग चला गया है, आप फंसी हुई प्रॉपर्टी में हैं, तो अगर उस दर्द से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़ा मरहम लगेगा। और अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं जिसने कभी पहले प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज़ का होगा। सबसे पहले 2008-2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का वो बेस बना था। बहुत लोगों का रुझान फाइनेंशियल एसेट से हट के रियल एस्टेट में आया था। उस टाइम लैंडस्केप बहुत ही करप्शन वाला था एंड जो भी सिचुएशंस ऐसी थी कि वो जो मॉडल था उसने वर्कआउट होना ही नहीं था। तो अगर उस टाइम पे आप लोग फंसे हैं कहीं पे, बहुत लोग मेरे टच में हैं, मैं जानता हूँ, तो आप अपने आप को माफ़ कर दीजिए, गलतियाँ हो जाती हैं, सिस्टम ही ख़राब था। गवर्नमेंट अब भी रिकवर कर रही है वो वाली सिचुएशन आज के दिन भी। आप उसको ट्यूशन फीस समझ के अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ लीजिए। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में ट्यूशन फीस नहीं दी है, बचपन से नहीं दी है, ऐसे स्कूलों में कई लोगों ने पढ़ाई करी है, कई लोग ऐसे संस्थानों में चले गए जहाँ फिर पैसा नहीं देना पड़ा, और कई लोग ऐसे थे जिनको नौकरियां बहुत जल्दी मिल गई। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लाइफ में कहीं भी पैसा नहीं निकलेगा, हर जगह ही मज़े आएंगे। तो कई बार आप ये सोच लो, आपने 20-25-30 लाख की कहीं पढ़ाई कर ली, लाइफ में आगे मूव ऑन करो, क्योंकि उस जगह स्टक रहोगे लाइफ में तो दर्द बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और इसमें मेरे को वाइफ्स के लिए बोलना है सबको, अपनी वाइफ्स को भी वीडियो दिखाना कि प्लीज़ अपने हस्बैंड्स को इस चीज़ का टॉन्ट देना बंद कर दो, बिकॉज आपके हस्बैंड ही अकेले फंसे नहीं हैं, दुनिया फंसी है, हज़ारों हज़ारों लोग फंसे हैं। स्पेशली जो सरकारी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फंसे हैं इसमें, बिकॉज जो बड़े शहर थे जहाँ चीज़ें ठीक थी वहाँ प्रॉपर्टी बहुत तेज भाग रही थी। तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि भी प्रॉपर्टी खरीद लो, नहीं तो पता नहीं घंटे के हिसाब से प्राइस बढ़ रहे थे। तो लोगों ने उस टाइम पे ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे बिल्डर्स के साथ वो लोग फंस गए जो कि एक्चुअली बहुत ही उनकी इक्विटी कम थी। वो 10-15-20 करोड़ अपने लगाते थे, 500 करोड़ के लोन्स होते थे, हाई लीवरेज होते थे, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में डालते थे पैसा, एंड वो फिर चीज़ें बिकी नहीं, वो पार्टी म्यूजिक स्टॉप हो गया एंड देन पीपल गॉट स्टक। इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने इतना दर्द देखने के बाद लोगों का रेरा निकाला है। रेरा में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज बिल्ट इन है। रेरा पे मैं एक अलग से वीडियो करूँगा, ये वीडियो माइंडसेट सीरीज़ का है, तो इसमें मैं एक माइंडसेट की ही बात करूँगा, क्योंकि रियल एस्टेट पे मैंने अलग से सीरीज़ निकालनी है, उसमें मैं अलग अलग बातें करूँगा। बट मेरा मानना ये है कि उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग में जो गलती हुई उससे भी लोगों की मुझे लर्निंग बहुत नहीं नज़र आती, बिकॉज जो लोग मुझसे जुड़ते हैं वो कहते हैं मेरा वहाँ ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, वो जेपी ग्रीन फंसा है, यहाँ फंसा है, अलग अलग जैसे नाम है। तो उसमें मेरे को उनसे पूछो भी आपके प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट्स हैं, नहीं पता। ये पूछो कितने एकड़ में फ्लैट है, नहीं पता। 10-12 साल हो गए इन्वेस्ट करे हुए, डेंसिटी पर एकर है, कुछ आइडिया नहीं। सुपर एरिया कारपेट एरिया एग्जैक्टली, उसका कोई आइडिया नहीं। सो आज तक आपको आइडिया नहीं तो आप घुस कैसे रहे थे उसमें? तो आपने बेसिकली मुझे एक थोड़ा सा आश्चर्य ये होता है लोगों पे कि म्यूचुअल फंड की 5,000 रुपये की SIP के लिए तो फंड मैनेजर को पैसे दे देंगे 2.25%। मैंने म्यूचुअल फंड पे भी एक वीडियो किया है, अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो आप वो भी देखिएगा। 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड देते हैं तो हर साल 2.25 लाख रुपये फंड मैनेजर को, 2.5 लाख रुपये फंड मैनेजर को दे रहे हैं सिवा सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए, और वो बार बार चेंज भी नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है, पर आप पैसा दे रहे हैं 2.5 लाख रुपये हर साल दे रहे हैं, भले वो पैसा बढ़े घटे आप उसको 2.5 से 2.25% के बीच में दे रहे हैं। बट आप एक कंसल्टेंट के पास जाने को तैयार नहीं है, आप ब्रोकर के पास चले जाएंगे प्रॉपर्टी खरीदने तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा, अपनी बेचनी खरीदनी वो ठीक है, लेकिन एक आदमी जो आपको सिखाए समझाए आपकी कन्विक्शन बताए। तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के पास पैसा देने के लोग कहते हैं दोस्त है यार इतना ही है जल्दी से बता दे मुझे, सिर्फ लॉयर और डॉक्टर को लोग एग्री हुए हैं अभी तक इंडिया में पैसा देने के लिए। हाँ भी तो कुछ बता रहा है, तो वो डॉक्टर भी ना गरारे करके ठीक होता है आदमी, ठीक है, पर वो 3 दवाई लिखता है क्योंकि 300-500 रुपये ले रहा होता है, तो वो लोगों को अच्छा लगता है, उसको देने को तैयार है, ठीक है, वहाँ वो कहते हैं कि चल ठीक है इसको तैयार है, लॉयर को तैयार है। तो एक नया सेगमेंट आ रहा है कंसल्टेंट्स का रियल एस्टेट में, तो आप उससे उन लोग ऐसे लोगों से जुड़िए एंड आप अपनी कन्विक्शन तभी आ पाएगी, नहीं तो आप बार बार ऐसे ही फंसेंगे, ठीक है। तो ये बताने के बाद अब जो लैंडस्केप आगे आ रहा है,
मैं उसके बारे में बोलूंगा जो लोग अब नया लेना चाह रहे हैं, और मैं पुराने लोगों को भी जो फंसे हुए हैं मैं उनको बोलूंगा ये इस तरह वो दिल टूटे हुए आशिक की तरह बिहेव मत करो यहाँ पे कि अब तो दोबारा इश्क करना ही नहीं टाइप्स। चीज़ें ठीक हो गई हैं एंड लैंड इंडिया में कोई बढ़ नहीं रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रिगर पॉइंट्स बहुत हैं। अभी बहुत बच्चे इंडिया में अर्बनाइजेशन के कारण शहरों में आएंगे, टॉप 12, 14, 15 सिटीज़ जो हैं उसी में ही नौकरियां पकड़ने के लिए आएंगे, एंड ये बच्चे घर नहीं खरीद सकते हैं, ये किराए पे रहेंगे। लेकिन किराए पे रहने के लिए घर चाहिए, और बिल्डर घर तभी बनाएगा जब कोई घर खरीदेगा, तो घरों की डिमांड है, पर जिसने किराए पे रहना है वो खरीद नहीं सकता, तो किसी को खरीदना पड़ेगा। तो अब इसमें मैं आगे चलता हूँ, आप लोगों को क्लियर होना है कि प्रॉपर्टी दो ही तरह की है, एक वो जो आपने खुद यूज करनी है, दूसरी जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। इसकी क्लैरिटी आपको 100% होनी चाहिए। वो स्टॉक मार्केट की मैं सारी एनालॉजीज इसमें यूज करता हूँ। मैं आप डिस्क्लेमर में ये बताऊंगा थोड़ा सा कि बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट वाला बंदा हूँ, अपना स्टॉक मार्केट में काफी मैंने अपना दिमाग लगाया है, पढ़ाई लिखाई काफी करी है, छोटी मोटी सर्टिफिकेशन है, पर मैं उसका जितना ज्ञान है वो रियल एस्टेट में यूज करता हूँ, एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली। तो उसमें ये चीज मैं यूज करना चाह रहा हूं कि आपको घुसने से पहले एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी सिर्फ दो तरह की है, एक है जिसमें आप रहना चाहते हैं, एक दूसरा जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप शेयर मार्केट की तरह हैं कि भी आप ट्रेडिंग के लिए शेयर में घुसे, आपको लॉस होने लगा तो आप बिग इन्वेस्टर लॉन्ग इन्वेस्टर बन गए, तो वो लोग इस तरह नहीं करना है। रियल एस्टेट में आप जो प्रॉपर्टी लेनी है आपको क्लैरिटी पहले होनी चाहिए कि मैं इसमें रहूंगा या मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट में भी दो प्ले होते हैं, एक उसका एप्रिसिएशन, दूसरा उसका रेंटल यील्ड। तो रेंटल यील्ड पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक शेयर कर लूंगा, आप उसको भी देखिएगा। कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज हैं और रेंटल यील्ड पे बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है, एंड आप उसको देखिएगा। तो इसमें अगर आपने पहले चूज किया कि मेरे को अपने लेने के लिए लेनी है, तो लेने के लिए लेने की सबसे बड़ी शर्त है रहने के लिए जो लेनी है कि रिटायरमेंट से 5 साल पहले ही लें, उससे पहले मत लें। ऐसे नहीं कि रिटायरमेंट को 20 साल है मेरे और मैं प्रॉपर्टी रहने के लिए ले रहा हूँ, तो लोग कहते नहीं मेरे को तो लेनी है। तो मैंने कहा कि आप 15-16 साल बाद आके रहेंगे, तब तक तो फ्लैट ही 20 साल पुराना हो जाएगा आपका, तो उस टाइम तो कहते नहीं पर रेट बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी में बने रहिए, हेजिंग करिए। इट इज समथिंग लाइक कि आपकी बेटी है 4 साल की है, आप कहते हो कि 24 साल की जब होगी उसकी शादी होगी तो मुझे गहने लेने होंगे, तो मैं आज से गहने लेने शुरू कर दूं। तो आज से आप गहने लेंगे, गोल्ड लेंगे, तो हो सकता है जब तक उसकी शादी हो रही है तब तक उसका जो पैटर्न्स हैं, डिजाइन्स हैं, वो आउटडेटेड हो जाए। फिर वो कितनी बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, जो मिल जाता है गोल्ड उसको फिर वो चेंज कराती फिरती हैं, और हर बार उनके मेकिंग चार्जेस होते हैं कि उनको तो दर्द होता नहीं किसने कब खरीदा है। तो आप गोल्ड ही आपको हेज करना है तो आप गोल्ड ETF ले लीजिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए। बेसिकली आप उस एसेट क्लास के अंदर हैं, रेट बढ़ रहा है उसका, पर आप प्रोटेक्टेड है क्योंकि आपने भी वो ले रखा है। फिर फाइनली जब वो एनकैश करने की बात आएगी तो ये चीज बेची, आपने ये ली, लेटेस्ट जो डिजाइन हैं, ट्रेंड्स हैं, बच्चे के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से, उसी तरह आप प्रॉपर्टी में बने रहिए, इन्वेस्टमेंट करिए। जब प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, छोटी छोटी प्रॉपर्टी, उस पर वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, उनमें आपने एक मैंने आर्टिकल सीरीज लिखी है जिसमें 21-20 आर्टिकल्स हैं, उसमें मैंने सारी छोटी छोटी चीज़ों पर टच किया, अबाउट 100 पेज की है, तो बहुत लोगों ने पढ़ी और अप्रिशिएट करी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक PDF फॉर्म में है वो, और उसमें ये सब चीज़ें मैंने सारी टच ऑन की हैं, इसमें एग्जाम्पल्स बताए हैं, डेटा पॉइंट्स बताए हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीकेंड पे कभी भी पढ़ी जा सकती है, 2 दिन में पूरी पढ़ के आपकी जो कन्विक्शंस और नॉलेज लेवल है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैंने बताया दो ही तरह की प्रॉपर्टीज हैं, एक रहने वाली और एक इन्वेस्टमेंट वाली। रहने वाली में आजकल क्या हो रखा है कि डिसीजन पैरालिसिस हो रखा है, लोग इतने घबरा चुके हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका कोई निकटतम रिश्तेदार प्रॉपर्टी में फंसा ना हो। तो उसमें क्या होता है, जब वो प्रॉपर्टी पूरी देख के आ जाता है, समझ के आ जाता है, तो लास्ट मोमेंट पे जब लेने की बारी आती है तो वाइफ एक डायलॉग मारती है, हाँ ये सब ठीक है बट देख लेना। ये जो बट देख लेना वाइफ का होता है ना, ये आदमी को विचलित कर देता है, पति विचलित हो जाता है, स्पेशली वो पति जिसे पहले भी पैसे डूबो चुका है, एंड वो बेचारा डूबो क्या चुका है, वो डूब चुके हैं, उसके अकेले की नहीं दुनिया के डूबे थे उस टाइम पे, पर वो हमेशा अब वो जो कंसल्टेंट है या जिससे ले रहा है वो उसके पीछे, यार ये ठीक हो जाएगी, यार ये पैसे बढ़ जाएंगे, ये पक्का अच्छा हो जाएगा,
तो लाइफ में देखो जी, गारंटी सिर्फ एक चीज की है लाइफ में और कोई दूसरी चीज की नहीं है, कि हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। दूसरी किसी, इवन टैक्सेस की गारंटी नहीं, गवर्नमेंट बढ़ाती है घटाती है जो भी करती है, स्लैब चेंज करती है, टैक्सेस की भी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ इस चीज की गारंटी है कि हम दुनिया से चले जाएंगे। जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो उसकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग इट सेफली इज नॉट 100%, ऑल विल एग्री। रात को जब हम सोते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग इज नॉट 100%, बिकॉज बहुत लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते। तो हर चीज में ये चीज सीख करना कि ये ठीक हो जाएगा वो भी किसी और से, ये ठीक चीज नहीं है। होता क्या, डर लगता है जब क्लैरिटी नहीं है। रात को जब आप ट्रैवल करते हैं, किसी जगह जाते हैं और अंधेरे में जाता है, बच्चा जाता है या आप जा रहे हैं, जब दिख नहीं रहा होता तो डर लगता है। डर का एलिमेंट है, और डर नहीं तो कंफ्यूजन है। रीजन क्या है उसका? बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। वही दिन में एकदम आपको क्लियर लगता है बिकॉज आपको दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में कोई टॉर्च बन के तो जरूर आ सकता है कि आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो आपका संजय नहीं बन सकता। आप धृतराष्ट्र हैं तो संजय मत ढूंढिए कि भी मैं धृतराष्ट्र हूं और आप मेरे संजय बन जाइए, आप मेरे को सब बता दीजिए और बस फिर, और कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपके ऊपर चढ़ूंगा, और अगर क्या बोलते हैं गड़बड़ नहीं हुई तो मेरा इंटेलिजेंस थी, मेरी किस्मत थी। पहली बात तो आपको रियलाइज करना है, रेरा को समझिए। बिल्डर जो भी ये चोर टाइप थे, ये सब जेलों में चले गए हैं, ये लैंडस्केप से गायब हो गए हैं। नॉर्थ इंडियन मार्केट में साउथ इंडियन जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो आ चुके हैं, जैसे कि गोदरेज, शपूर जी, शोभा, ये सब लिस्टेड मार्की बिल्डर्स हैं। यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ और ये लोग अब आ गए हैं। तो अब ये हैं जैसे तनिष्क की हॉलमार्क ज्वेलरी होगी, तो मतलब ये एकदम ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। आप, मैं गुड़गांव का एग्जांपल बताऊंगा, द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल ही बता दूंगा, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का 2018 नवंबर दिसंबर के बाद जी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ है। बहुत लोग बोल रहे हैं ना रियल एस्टेट डाउन हो रही है, पिछले ऑलमोस्ट 2 साल होने आए हैं। लास्ट शपूर जी लॉन्च हुआ था सेक्टर 102 में, वही उन्हीं के फेजेस करके उन्हीं के फ्लैट्स बिक रहे हैं, कोई नया बिल्डर नहीं आया है। एंड इन्वेंट्री धीरे 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 जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं अलग से सीरीज करूंगा। इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, कोई किसी को डाउट्स हैं, आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर उसमें आपको अगर रहने के लिए लेना है तो वो मेरा क्राइटेरिया वही है, 5 से 6 साल से कम होना चाहिए रिटायरमेंट पीरियड, 10 से 12 साल है तो आप मत लीजिए। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में कभी बाद में ले लेना, बढ़ा हुआ रेट है तब ले लेना। मैंने एक 4 का 1 करके आर्टिकल लिखा है, उसी आर्टिकल सीरीज का है, वो आपको एक सोल्यूशन देगा कि उसको आपको किस तरह हेज करना है। तो वो आर्टिकल सीरीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक जो वाइफ और हस्बैंड की बातचीत होती है ना रियल एस्टेट में, कि तुम मेरे मामा जी से पूछ लो, मेरे इससे, क्योंकि नॉर्मली देखा गया जो वाइफ की तरफ के रिश्तेदार होते हैं वो जेनेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं हस्बैंड की तरफ के रिश्तेदार से। तो हस्बैंड अगर स्पेशली गलत कर चुका है एक बार या उसके परिवार में होता है तो फिर वो कहते हैं तुम तो रहने ही दो। तो इस चक्कर में क्या, हस्बैंड बहुत कंफ्यूज रहते हैं और जब वाइफ आ जाती है ना साथ में, डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाती। वो जैसे साड़ीज कई बार लेडीज नहीं ले पाती ना, 100 साड़ीज निकाल और वो दिखाई जा रहा है, उस तरह प्रोजेक्ट्स इतने कंफ्यूजन हैं कि बिल्डर अच्छा है, लोकेशन में कुछ इशू हो सकता है, लोकेशन अच्छी है तो लेआउट में इशू हो गया, लेआउट अच्छा है ये अच्छा है वो अच्छा है तो महंगा लग रहा है। इतने पैरामीटर्स हैं, इन पे मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाने में बहुत लंबा हो जाएगा, पर ये मैं माइंडसेट के बारे में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो माइंडसेट सीरीज में नहीं होंगे, वो रियल एस्टेट सीरीज में होंगे। तो ये चैनल आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग टैंजिबल होने वाला है। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप देख सकें। क्योंकि मैं सब लोगों को बोलता हूँ, भले आपको अभी रियल एस्टेट नहीं लेनी, आज नहीं लेनी 2 साल बाद लेनी है, तो यू हैव टू बी इन द गेम, यू हैव टू, तभी वो कन्विक्शन आएगी। नहीं तो फिर दो अचानक से रियल एस्टेट देखने जाओगे, पिछला आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सो जब भी आपको कोई ब्रोशर दे, वो उसको आप विंडो शॉपिंग की तरह देखिए। आप ऐसे मत देखिए कि वो आपको कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा है, ये एक अवेयरनेस की बात है कि भाई एक प्रोजेक्ट आया है, ये रेट है, इस जगह पे है, इस बिल्डर का इस तारीख को है। उस ब्रोशर को डेट के हिसाब से अपने लैपटॉप में एक फोल्डर खोल के डाल दीजिए और रेट डाल दीजिए। उसके बाद 1, 1.5, 2, 3 साल बाद पता करो भाई प्रोजेक्ट मिल रहा है, प्रीमियम है कितना, तो आपको पता चलेगा।
उसी तरह मैं लोगों को बोलता हूँ जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं आपकी जहां भी हैं, क्योंकि मैंने पिछली वाली में एक बहुत अच्छा बनाया था वीडियो व्हाई टू सेल योर ओल्ड प्रॉपर्टीज, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है। उसमें एक छोटा सा ही बताऊंगा क्योंकि वो पूरा अपने में वीडियो है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को हर 3 महीने बेचना निकाल दीजिए और उसका एक रेट पता कर ले, आपको ट्रेंड पता चलना शुरू हो जाएगा। सडनली यू विल रियलाइज कि शायद जो मेरी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का रेट मैंने सुन लिया था, मैं कभी भी उसको 1.2 की भी ना बेच पाऊं, ऐसा हो सकता है, डरा नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। वो डिस्कवर कैसे करेंगे? वो तभी करेंगे जब आप उसको बेचना निकालेंगे। तो ये सब माइंडसेट है कि मेरा 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 50 की होगी, द्वारका में खरीदी थी, कहीं गुड़गांव में किसी CGHS सोसाइटी में खरीदी थी मैंने, तो मेरी बढ़ चुकी है, तो बस अब उतनी तो है मेरी नहीं, वो घटनी शुरू हो जाएंगी। वो मेरा वो वीडियो देखना, आपको क्लैरिटी आएगी कि ऐसा क्यों होगा। एंड इसमें यहां मैं वेल्थ डिस्ट्रक्शन बचाने एंड वेल्थ प्रिजर्वेशन की ही बातें करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां रॉकेट लग जाएगा और आप आज 1 करोड़ की चीज लोगे और वो 3 करोड़ की हो जाएगी 4 साल में, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है दूसरा, मैं लोगों को बताऊंगा कि आपको लेना किधर है। लेना, ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इसमें जो जानकारी आपको प्राप्त होगी वो आप 1-2 करोड़ रुपए बच सकते हैं, आपके 50-60 लाख बच सकते हैं। बहुत लोग रिटायरमेंट पे 55 साल के करीब या 50 के करीब लेते हैं, कहते हैं हम तो अपने छोटे शहर में रहेंगे, मुझे तो वहां सुकून है, बड़े शहर में मुझे नहीं लेना। तो वो बोलते हैं कि भी, मैंने इस पे भी आर्टिकल किया हुआ है बहुत अच्छा, उसको आप पढ़िएगा। मैं कहता हूं कि भाई आप लोग, बच्चे तो आपके शहर में नौकरी करेंगे, कहते हैं बच्चों को करने दो, हम तो सुकून में रहना है, हमें वहां रहना है। 55 से 70 साल सेल्फिश होके इस तरह निकल जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने छोटे शहर में रहो और वहाँ आपका निकल जाएगा। लेकिन बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है जब आप 55 से 70 के होते हो, क्योंकि उनकी बीवियाँ भी नौकरी कर रही हैं, उनके भी बच्चे पलवाने चाहिए आपको, ठीक है, बड़े शहर में सब परिवार इकट्ठे रह के होना चाहिए, उस टाइम तो आप उनके काम आओगे नहीं। फिर 70 से 90 के जब आप हो जाओगे, वो बोलोगे कि यार बच्चे तो मिलने नहीं आते। अरे 15 साल जब उनको ज़रूरत थी आपके, अब आप बोलोगे नहीं वो वाले तो हमने उनको बचपन से पालना, तो जी आपके माँ बाप ने भी पाल दिया, वो तो पार फॉर द कोर्स है। 20-22 साल तक बच्चे को पालना एक नॉर्मल ड्यूटी है, 22 साल से 40 साल उसकी एज में उसको थोड़ा सहारा लगाना, अपने नाती पोतों को अपने सामने देखना, वो एक अलग चीज है, उसमें एक जॉय भी है, थोड़ी ड्यूटी भी है और थोड़ा एहसान भी है। जब ये होता है तो आपका 70 से 90 अच्छा कटता है। बहुत लोग ऐसे हैं 55 से 70 तो सेल्फिशली निकाल लेंगे, बेटियां बेचारी कर रही हैं नौकरी अलग कहीं, बेटे कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनकी बहुएं कुछ हो रहा है इश्यूज, और वो फिर धीरे धीरे आगे जो टाइम आएंगे ना जी, छुट्टी नहीं मिलने वाली, आगे आगे नौकरियां ऐसी होंगी, बच्चे नहीं आपके आ सकते। अभी तो फिर भी किसी तरह ऐसी सरकारी नौकरियों में हैं, लोग आ जाते हैं छुट्टी वुट्टी लेके, आगे मिलना नहीं होगा। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे MPs भी होते हैं, वो उनका एक घर होता है दिल्ली NCR में, तो एक बड़े शहर में आप अपना एक बसेरा रखिए, रहे ना रहे वो अलग बात है, क्योंकि बड़े शहर में खरीदना मुश्किल है, छोटे में कभी भी खरीदा जा सकता है। तो बड़े में खरीदिए, छोटे में तो आप कभी भी बेच के खरीद सकते हैं, हो सकता है आपका बच्चा को बिजनेस सेटअप कर ले छोटे शहर में और आप सब लोग वहीं रह लो। पर छोटे शहर में रहने में मेरे को एक है कि आपका जो एंसेस्टर वाली जगह है वहां ऑलरेडी आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, माता जी की होगी, पिताजी की होगी, किसी की होगी, जैसे होगी, तो वो तो आपकी है ही, तो उसमें कितनी उस जगह और प्रॉपर्टी खरीदोगे। दूसरा एक और माइंडसेट मैंने देखा है कि लेडीज का माइंडसेट देखा है, कहीं ना कहीं वो हस्बैंड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने मायके की तरफ ले जाते हैं, जो थोड़ा दूसरी स्टेट्स में शादी हो जाती हैं वो लोग वहाँ जाते हैं। जाना चाहिए अगर वो शहर अच्छा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मायका है, क्योंकि अगर जैसे ये मोहाली और इस तरह के जो सरकारी वाले जो पैराडाइज हैं, वहाँ नौकरियों के इश्यूज हैं, कई कई स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत अच्छा है बसने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लड़की के माँ बाप बैठे हुए हैं वहाँ पे, अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह है, पर आपके बच्चे नौकरी कर पाएंगे? आप वहां के रहने वाले हैं, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये वाली चीजों को आपको देखना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद कौन सा घर खरीदना है, ये रिटायरमेंट से 5 साल से पहले डिसाइड मत करिए। ये फ्लैट बनने में 3 से 4 साल रहते हैं, कोशिश करिए नया अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला लीजिए, कोई फायदा नहीं किराएदार को अपने फ्लैट में 20-22 साल रखने का, फ्लैट पुराना करने का, सोसाइटी पुराना करने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है। अभी मायमन कंस्ट्रक्शन आ गया, इस पे मैं अलग से एक वीडियो करूंगा। अभी आपके इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पॉइंट चाहिए, गाड़ियां आ गई इलेक्ट्रिकल होंगी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वाटर रिसाइकलिंग चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, आपका जो ये सोलर लाइटिंग होगी आगे जो प्लांट्स हैं, तो जो नए वाले बन रहे हैं वो तो जी इट्स लाइक पावर स्टेरिंग की गाड़ी है, पावर स्टेरिंग की गाड़ी आ रही है, पहले पावर स्टेरिंग की नहीं थी। जो द्वारका के जो घर बने हुए हैं पुराने, जो 90s के बने हुए हैं, वो 10-10 लाख के खरीदे थे लोगों ने, तो उसमें लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया होगा, लैंड की कॉस्ट भी होगी, तो उसमें जो सामान यूज हुआ है, सामान तो 4-5-6 लाख का यूज हुआ है। अब वो फ्लैट इतने महंगे हो गए पर उनकी आत्मा तो 4-5-6 लाख की है ना,
तो ये चीज आप लोगों को समझना है कि ऐसी जगह आपको लेना है या ले रखा है तो क्या बेचना है। ऐसे डिसीजन मेकिंग में अगर आपको असमंजस है तो आप मुझसे जुड़िएगा, मैं 7 से 8 शहरों का थोड़ा एक्सपर्टीज रखता हूँ। मेनली तो गुड़गांव में मेरे को आइडिया है, पर पुणे, बैंगलोर, चंडीगढ़, ग्रेटर नोएडा इनका भी आइडिया है, MBBS टाइप आइडिया, MD तो नहीं हो इनका, तो आइडिया है मेरे को कि कैसा है। डिस्कशन कर सकते हैं आप, और उससे आई एम श्योर आपकी कोई ना कोई लर्निंग होगी। और एंड में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको यहीं ख़त्म करूँगा, कि जो बार बार हम कहते हैं कि यार बढ़ेगा रेट, बढ़ेगा घटेगा क्या है, रियल एस्टेट डाउन जाएगी जाएगी, आपको सबको एक चीज़ समझनी है, कोई भी प्रॉपर्टी में दो चीज़ें होती हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ लैंड, दो ही चीज़ से प्रॉपर्टी बनती है। उसके बाद बिल्डर का प्रॉफिट होता है, मार्केटिंग कॉस्ट और वो सब होता है, पर बेसिकली कॉस्ट ये दो चीज़ों की है। इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड कहीं कम नहीं हो रही, बिकॉज जो लैंड एक्विजिशन लॉस निकल गए इंडिया के, उनका एक बेंचमार्क बन गया है। आपको गांव में भी जमीन खरीदनी है तो उस एरिया का लॉ निकला हुआ है, उस एरिया में जितनी लास्ट रजिस्ट्री हुई है एवरेज है, उसका एक फॉर्मूला निकाल रखा है गवर्नमेंट ने। तो लैंड प्राइस अब एक वो MSP की तरह हो गया है, कि जैसे व्हीट आप एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे नहीं खरीद सकते, जैसे पर डे लेबर का हर स्टेट में एक रेट है दिहाड़ी का, 400 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, साउथ इंडिया में अलग है, गुजरात में अलग है, दिल्ली में अलग है, हर स्टेट का, तो वो एक बेंचमार्क बन गया, उसके नीचे नहीं जा सकते आप, तो वो आपका फिक्स्ड हो गया है, उसमें आप बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। अब आगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी दो तरह की कॉस्ट है, एक तो लेबर कॉस्ट है, एक वो मटेरियल कॉस्ट है। जो लेबर है जी, लेबर तो वैसे ही अवेलेबल नहीं है, जब से मतलब अब लोग वापस लेफ्ट राइट हो गए, स्टेट्स जो थे वो भी काफी तरक्की करने लग गए जहां से लेबर आती थी, तो लेबर एवरीबडी नोज इज एन इशू। आज के दिन आप प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन अपने घर में, बड़े शहर में रहते हैं, ऑर्डर करो, आपको पता चल जाएगा, इनके रेट कभी कम नहीं हुए। आपकी मेड की रेट कम हुए तो उसके जो वो पैसे पर मंथ लेती है मेड के, मैं पूछ रहा हूँ, सरकारी लोगों का DA रुक चुका है अभी, ठीक है अगले साल बढ़ेगा, ठीक है तनख्वाह उनकी 3% बढ़ती है, लेकिन आप मुझे बताइए जो मेड्स हैं, जो कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, वो जितना पैसा लेते थे वो ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं? आगे कितना डिमांड में रहेंगे? बड़े शहरों में तो यू हैव टू प्लीड देम कि यार आजा आजा, मतलब 500 रुपये का काम होता है, 1,000 रुपये आप देने को तैयार हो तब वो शायद आता है। तो ये कॉस्ट ऑफ लेबर कम नहीं होने वाली। अब आ गया कॉस्ट ऑफ मटीरियल, कॉस्ट ऑफ मटीरियल भी कहीं कम नहीं हो रही, क्योंकि जितने आप इकोनॉमिक ये लॉज आ रहे हैं इन्वायरमेंट वाले, उसमें आपका रेता है, आपकी बजरपुर है, ये जो ये सामान है ये महंगाई होता जा रहा है, ये कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। तो जब ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी कम हो रही है, ना रियल एस्टेट के आपके सॉरी लैंड का कॉस्ट कम हो रहा है, तो रियल एस्टेट कहाँ से कम हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा कि भाई जो भी बिल्डर्स 25% मार्जिन लेते थे, 20 लेते थे, वो मार्जिन थोड़े कम हो जाएंगे, एंड वॉल्यूम से बिजनेस होगा, कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे कि आपका एयरलाइंस में कंसोलिडेशन हुआ है, आपका टेलीफोन में कंसोलिडेशन हुआ है, कि कुछ ही प्लेयर्स रह गए हैं, बाकी प्लेयर्स नहीं रह गए, तो वो रियल एस्टेट में होगा। मेरे हिसाब से टॉप 5-6 प्लेयर रह जाएंगे पैन इंडिया, जो बड़े बिल्डर्स हैं, एंड इनकी भी एक लिमिटेड है, बिकॉज फाइनेंस के भी इश्यूज हैं, बहुत लिमिटेड ही फाइनेंस रहता है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा ये कर पाएं, तो क्योंकि उनके भी नॉर्म्स कम हो रखे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया था बिल्डर्स ने, तो 5-6 बिल्डर्स रहेंगे एंड बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री आ रही है। मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे का आप लोगों को एग्जांपल बता दिया कि 2018 दिसंबर के बाद कोई प्रोजेक्ट आया ही नहीं है, कोई आया है तो आप मुझे बता देना मेरी नॉलेज के व्हाट्सएप पे, कमेंट सेक्शन पे, कि ये आया। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स 2012-13-14 के लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री को वो इस तरह दिखा रहे हैं लॉन्च, वो बने हुए हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया है, नया वो पुरानी जो इन्वेंट्री है उसी को बेच रहे हैं, नया ब्रोशर छाप देते हैं, लेकिन 2018 दिसंबर शपूर जी और हीरो होम्स के बाद कोई भी द्वारका, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया है। इन्वेंट्री धीरे धीरे लैपअप हो जा रही है, इट इज डूइंग, रियल एस्टेट इज डूइंग वेल, बाहर से बहुत लोग आके रेडी टू मूव इन ले चुके हैं, रेडी टू मूव इन वाले अपना बेच के इन वाले में डाल दिए, जो लोग साइड लाइन्स पे प्ले कर बैठे हैं वो देख ही रहे हैं, जब तक वो जाएंगे ये ट्रेंड 70 से 80% हो जाएगा। मेरा ट्रेंड वाला वीडियो जो वीडियो नंबर 3 है वो, उसको व्यूज कम मिले हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है लोगों को शायद पहली बार में समझ नहीं आया तो लोगों ने नहीं देखा। मैं 2 से 3 वीडियो देखने की रिक्वेस्ट करूंगा इसमें, एक तो मेरा मनी माइंडसेट सीरीज का वीडियो 3 देखिए जिसमें मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है, और एक मेरा जो रियल एस्टेट की मैंने कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज बताई हैं उनको देखिए, एंड आप जब भी कन्विक्शन आपके पास आ जाएगा तब आप रियल एस्टेट में यू विल बी एबल टू टेक ए टेंजिबल इन्फॉर्म डिसीजन। एंड अगर आपको नॉर्थ इंडिया में कहीं किसी चीज़ में आपको क्वेरी करनी है, कोई आपको डाउट्स हैं एंड हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो यू कैन कनेक्ट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इन दैट। थैंक यू।